तो जय हिंद दोस्तों, क्लास टेंथ के लिए क्रैश कोर्स लेके आ गया हूँ। दिवाली धमाका कहलाएगा ये, 10 डेज सिलेबस खत्म। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसी वीडियोस में करवाने वाला हूँ ना, जिसको कर डाला तो लाइव जिंगा लाला, पेपर में आपके हाथ नहीं रुकेंगे अगर इन सीरीज को देखना अभी स्टार्ट कर डालोगे। तो आज की जो हमारी जबरदस्त सीरीज है वो चैप्टर फर्स्ट कौन सा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के एक एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं। अब एक एक क्वेश्चन करने के बाद बुक को उठा कर देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपसे ना हो ना तो मेरे को बता देना नीचे कमेंट में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या, मैं छोटी कहानी से लेके पूरा अंत तक लेके जाऊंगा। और एक बार इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना तो ये सोचोगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया यार, पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया, ऐसा लगे तो लाइक ठोक देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है यार, बचपन में हम पढ़ा करते थे, हम जाते थे आंगनबाड़ी में, वहां बोलते थे बच्चा बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आगे पीछे मेरे यार। ऐसे ही जब हमें स्टार्टिंग में जो बचपन में जो नंबर सिखाए गए वो स्टार्टिंग 1 से की गई, 1 से की गई, इसीलिए उसको कहा गया नेचर से निकला हुआ नंबर और नाम दिया गया नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। फिर आए भैया आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जीरो की खोज कर दी, डिस्कवरी कर दी जीरो की, जीरो उसमें नंबर में जुड़ा तो वो बन गया होल गड्ढा नंबर, मतलब क्या बन गया होल नंबर, जिसमें 0 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबर सब आने लग गए। उसके बाद आपका आया इंटीजर, जिसमें हम माइनस और प्लस में भी पहुंच गए, हमें लॉस होने लग गया तो माइनस में, हमें प्रॉफिट होने लग गया तो हम प्लस में पहुंच गए। तो भैया जिसमें माइनस में इन्फिनिटी नंबर आई एंड प्लस में इन्फिनिटी नंबर आई, उसको कहने लग गए हम इंटीजर नंबर। एंड उसके बाद आया सबसे जबरदस्त और खतरनाक, ये बड़ा भाई खतरनाक इंसान है, कहा गया रैशनल नंबर, पारी में संख्या। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं, खेला शुरू करते हैं। चलिए तो रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर सीधा बोला जाता है भैया रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप फॉर्म में लिख दो और वहां पे क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है। भैया इससे कहां बोल दिए यार, देखिए अभी बताते हैं क्यों बोला गया। ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके है ना, और जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। जैसे हम लिख दिए 2/3, क्या रैशनल नंबर है, हम बोलूंगा रैशनल नंबर है। मैंने कहा रैशनल नंबर है, मैंने बोला 1/2, क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल है रैशनल नंबर। भैया इसने बोला क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है, है ना। अब मैंने बोला 1/0, ए भैया पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा, जैसे डिटेक्टिव मशीन होता है ना, जाते हो मेट्रो पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह चेक उक करता है और जहां भी कुछ दिख जाए टू टू टू, ऐसे हुआ यहाँ जीरो दिखा, ये क्यूज बोलेगा ये भैया हमारा रूल फॉलो नहीं किया, इसको मारो, पकड़ के मारो, पकड़ेगा इसको, क्या कर देगा 1/0 को, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी से इसको भगा देगा। लेकिन हाँ 0/1 होगा तो 0/1 बोलेगा भैया देख तेरी कैटेगरी में आना है तो क्यों जीरो नहीं रखना, मैं पी रखूं जीरो, मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी पे पी को जीरो रखूं, तो इसको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रख देते हैं, मतलब परिमेय संख्या होती है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, क्या नहीं होती है। तो रैशनल नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार दिख जाता है 1 मार्क्स का, क्या विच वन इज रैशनल नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगा लेना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पी वाई क्यू क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, पी वाई क्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है वो क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूँ, है ना। एक तीर से दो निशाने, मतलब चैप्टर वाइज करवाऊंगा, उसमें पी वाई क्यू क्वेश्चन भी करवा दूंगा जिससे आप समझ पाओ हाँ भैया इसमें से कॉन्सेप्ट में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, लगा डालो, है ना। तो पी वाई क्यू आप विच वन इज रैशनल नंबर, कौन सा इनमें से रैशनल नंबर है, और चार ऑप्शन दे देंगे आपको 2/3, 3/4, 0/1 एंड 2/-3। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो आप बोलोगे भैया देखो 2/3 तो रैशनल नंबर की कैटेगरी है, आप मेरी कंसेप्ट को याद रखो, p by q and q not is equal to 0, तो ये तो है। 3/4 भी है, भैया p को नहीं रख सकते, p को रख सकते हैं, तो ये भी है। भैया यहाँ पे इसने बोला q 0 ना हो तो 0 से कम भी तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी आपका जो आंसर लिखा हो ना -2/3 रैशनल नंबर है, लेकिन आपका 3/-2 ये कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकती। ए भैया नीचे की डिजिट को देखो 0 से भी कम कर दिया, हम तो 0 का ही बात कर रहे थे, ये बहुत बहुत चला और 0 से कम करके -2 दे दिया। अब बताइए इसको कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे रैशनल नंबर, भगा देंगे, लतिया देंगे इसको, भागे भागे जैसे रैशनल नंबर से। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसने पूछा रैशनल नंबर है, वाओ है पूछा था, मेरे को यहाँ 3 नहीं देने थे और 1 देना था, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा लो, विच वन इज नॉट रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर नहीं है,
तो वो आप लगा दोगे ये वाला, समझे ना, समझे ना क्या करना है। बहुत खूब। अब इसके बाद आता है ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए भैया, लोएस्ट टर्म में लिखना होता है, कम से कम डिजिट में है, कम से कम डिजिट में। अब होता है ना आज कैशलेस दुनिया हो गई है, जेब में पैसा नहीं रहता है भैया, कहाँ रहता है भैया, चाउमीन 10 रुपया के देना, पैसा कैसे दो, पेटीएम दूंगा, ठीक है भैया पेटीएम कर दो, ऐसा स्कैन करता है डालता है डायरेक्ट 10 रुपया पटाक, है ना। ऐसे यहाँ पे कि अब ट्रम्प को बड़ा नहीं रखते हम, रेशन नंबर को क्या कर देते, छोटा छोटा दबा दबा के छोटा। अब यहाँ पे देखिए 24/192 है, अब इसको लोएस्ट टर्म में कैसे करोगे, डिवाइड कर दो। जैसे देखो मैं 2 से करता हूँ तो 1 2 माइनस में चलेगा, एंड 2 से करता हूँ 2 2 नीम 18, 1 2 6 12, फिर 2 से किया तो ये आ गया माइनस का 6, फिर 2 से कर दिया मैंने 2 चौका के 8 2 8, फिर 6 से कर दिया 6 कम 6 और 6 8 48 भैया आया 1 - 1/8, इतना बड़ा डिजिट -1/8 बन गया, है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ऐसा ही केस होता है यहाँ पे, और इसको भी करोगे तो -21/49 -21/49 है, तो बहुत खूब 7 3 21 आ जाएगा और 7 7 49 आ जाएगा, 7 7 49 हो गया ना कंसेप्ट, लोएस्ट टर्म कंप्लीट, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब देखिए आया है रैशनल नंबर का थोड़ा प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी हम अपने नाम लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्या है, सबसे पहले एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर डिवीजन करो, पहले जोड़ो फिर घटा दो, फिर एक दूसरा का मारो, फिर एक दूसरा का डिवाइड कर दो, ऐसा 4 ऑपरेशंस आपके आ जाते हैं। अब 4 ऑपरेशन में हर तरीके में एक नई खुशी है, इसी तरह मुस्कुराते रहो और दिवाली पे आप मजे करते रहो। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आज के दिन दिवाली है, ठीक है, दिवाली पे खुशियाँ बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो। चलो आ जाओ इसी के साथ हम करते हैं, जैसे 3/4 है, 3/4 प्लस में 7/12। अब ये चीज है आपका, इसको ऐड करना है, सबसे पहले ऐड, तो ऐड करते टाइम आपको ये चीज देखना है कि भैया नीचे वाली डिजिट क्या सेम है, नहीं है, नहीं है तो भैया हमारे पास एक और तरीका है, ले लो एलसीएम इन दोनों का, 4 और 12 का एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है, नहीं आता है, चलो आ जाओ देख लीजिए। 2 से करूंगा तो 2 पे आ जाएगा, एंड 6 पे आ जाएगा, फिर 2 से करूंगा 1 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, फिर 3 से करूंगा 1 एंड 1 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, 3 2 6 2 12, तो यहाँ लिख दिए हम 12, समझ आया इतना। अब इससे इसको डिवाइड करो, 4 से किए 12 को आया 3, फिर 3 से ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो आया 9, फिर प्लस 12 से 12 को डिवाइड करो आया 1, 1 से फिर वापस 7 से मल्टीप्लाई करो 7। अब भैया ये तो बहुत तगड़ा वाला, इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है। अरे भैया बस याद रखो इसका नीचे वाला से नीचे वाला को डिवाइड करो, और जो बचता है ना ऊपर भागफल जिसको कहते हैं क्वेश्चेंट, उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। आगे सिंपल सा आप देखिए 7 और 9 कितना होता है, 16 16/12 आ जाएगा, है 16/12। अगर काटना चाहते हो लोएस्ट टर्म में तो कर दीजिए, 2 से आपका 8 पे चल जाएगा 2 से आपका 6 पे चल जाएगा, और 4 से कट जाएगा, वैसे 4 2 के 8, अब कहाँ कटेगा, अब तो ये 4 पे कटेगा और ये 3 पे 4/3 आ जाएगा, इन दोनों का टर्म जोड़ के लोएस्ट टर्म 4/3, एडिशन था एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन करता हूँ, क्या बोला मैंने, 3/4 - 7/12, अगर इसको सब्ट्रैक्शन सेम ही तरीका है जब एडिशन किया था। अब इस बार बस 12 करोगे, इससे इसे कर दोगे तो ऊपर 9 आया था, फिर माइनस में इधर कितना आया था 7 आया था, तो इसमें आ जाए 2/12, कितना आ जाए 2/12, इससे इसे काट दो तो 1/6, कुछ चेंज तो है ना। ये बड़ा खतरनाक है, ऐसे ही मजा मजा मारता है प्लस और माइनस। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, मल्टीप्लीकेशन 2/3 मल्टीप्लाई में 4/8 ऐसे दे दिए। आइए थोड़ा मल्टीप्लाई करते, ए भैया कहाँ जा रहे हो यार, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के टाइम हम देखते हैं पहले कि भैया तिरछा नजर, कि सामने वाली पे नजर तो नहीं मार रही है ना, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, क्या इसकी नजर इस पे लगी, नजरिया नहीं लगी रे, 3 के टेबल में 4 कहाँ आता है, कहाँ से नजरिया लगी, नहीं लगेगी, नजर हटी दुर्घटना घटी। ओ भैया 2 का जोड़ा मिल गया, 2 के टेबल में 8 आता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब घटेगी दुर्घटना, 2 एकम 2 2 चौका के 4 चल जाएगा। अब भैया ये ऊपर वाली नीचे वाली के चक्कर भी तो चलेगा, तो ये दोनों भी एक दूसरा एक काट दिया 1 आ जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए तो 1/3 और मल्टीप्लाई में 1=1/3 ये आ जाएगा, ये तो आसान सा हो गया था। अब देखिए 2/7 एंड मल्टीप्लाई में 49/24, आप करो मल्टीप्लाई, तो आप देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, 7 से गया ये 7 पे,
फिर देखा टू से नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये गया 12 पे एंड 7/12 आ गया, ये चीज देखा गया। अब इसके बाद देखा गया कि मेहरारू चाहिए सुन है कहां सोच रहे हो। अभी इसके बाद देखा गया अब कटेना 2/3 मल्टीप्लाई में 4/5। अब भैया ये कटेना अब ना नजर हटेगी ना दुर्घटना घटेगी तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा और ये इससे कर दो 5 × 15 आ जाएगा, हो गया बस सिंपल सा है मल्टीप्लीकेशन खत्म। अब आता है डिवीजन पे, 2/3 डिवाइड बाय 6/4 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब दिया डिवाइड में, डिवाइड का हमारा कोई काम नहीं होता क्या करना होता है, डिवाइड का हमारा कोई काम नहीं होता, तो हमने 2/3 किया और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और ये उल्टा पुल्टा कर देंगे, एक का दुनिया पलट देंगे, दुनिया पलट डालूंगा ए जेठालाल दुनिया, इससे इसको काटा हम कितना पे 3 पे, ये तो नजर हटेगा ही नहीं, तो होगा ये 1/4 × 4 और 3 × 3 हो गया, चारों ऑपरेशन समझ आए ना। अब देखिए ऑपरेशन के साथ हम ऑपरेशन कर देंगे, क्या है क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त सा ऐसा आ जाता है, PYQ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला हुआ है, इनको कीजिए सम फिर प्लस कीजिए। अब देखिए यार ये सब हमको पागल करता, पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस बाहर वाली पे नजर मारेंगे, ठीक है, पहले घर वाली को तो देख ले फिर बाहर वाली, बहुत बहुत तेज हो रहे। यहां पे देखा माइनस में 7/8 एंड प्लस माइनस माइनस का 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको भी साथ में लेके चलेंगे, इसको भी साथ में लेके चलेंगे, यहाँ पे प्लस में 3/16। अब यहाँ देखेंगे 8 और 12 का एलसीएम क्या आ सकता है, 8 × 12 = 24 होता है, 8 × 3 = 24 होता है, तो निकाल लो या फिर मैं 24 ले लेता हूँ एलसीएम, आसान सा 24, 8 से ऐसे करूंगा 3 आएगा, 3 से ऊपर 7 × 21 आ जाएगा, बहुत खूब। एंड माइनस माइनस 12 से ऐसे करूंगा 2 × 2 = 10 आ जाएगा, बहुत खूब, ये हो गया। खूबियां बहुत है इस क्वेश्चन में, खूबियां बहुत है, लेकिन आपको खूबियां देखनी जरूरी बात है। अब देखिए यहाँ पे 21 और 10 = 31 माइनस में 31/24 आ गया एंड प्लस में, अब ब्रैकेट दरवाजा खोलो बाहर वाली को अंदर आ लें दो, तो अब होगा 3/16, ठीक है। अब देखिए अब 16 और 24 16 × 32 16 × 48 और 24 × 48 ले लेते हैं एलसीएम, 48 ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल लोगे ना, इतना मैं मानता हूँ एलसीएम आप निकालो। 24 से करूँगा 2 × 2 = 31 से जाएगा 31 × 62 24 से डिवाइड किया 2 ऊपर जाके क्यों हुआ 62 एंड प्लस हो गया, 16 से किया 3 × 3 = 9 हो गया। अब 62 में से 9 जाया तो कितना बचेगा 53, सही सोचना 53 नहीं बचेगा यार, माइनस में 53/48। अब देखिए ये कहाँ से कट रहा है, देख लीजिए, कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो छोड़ देना, हो गया खत्म। अरे वाह यार, इसी तरीके से ये इसका क्या बड़ा भाई लेके आया हूँ। अभी बड़ा भाई में बस एक चीज है कि मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, अब भैया हमको दे दे मिक्स वेज सब्जी दे दे और शाही पनीर दे दे तो हम क्या खाना पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई शाही पनीर पे टूट पड़ेंगे। अब भैया शाही पनीर मिल जाता जानवर बन जाता बहुत जना, तो यहाँ पे मिक्स वेज दिया हुआ है, मिक्स वेज तो हम जाकर पीछे वाला पे जाऊंगा, कहे जाऊंगा और में दे देगा तो मैं आसान वाले पे जाऊंगा ना, इस पे क्यों जाऊंगा। तो यही चीज है कि आपको मिक्स वेज और शाही पनीर दोनों टेस्ट करके देखना चाहिए, कहीं कहीं आपको शाही पनीर ना मिले तो मिक्स वेज से भी तो काम चलाना पड़ेगा। आइए मिक्स वेज पे आते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा नाक पे नाक चढ़ा रहेगा, गुस्सा में होगा। तो 3 × 1/5 लिखा है, इसका मतलब क्या 3 × 1/5 को हम सॉल्व करेंगे, 5 × 3 = 15 और फिर 15 में 1 जोड़ देंगे और अपॉन में कितना 5, तो 15 × 1 = 16 16/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी लड्डू पेड़ा बांटेंगे, तो इसको हमने क्या 15 × 1 = 16 तो 16/5 आ गया, फिर प्लस में हमारा 7/5 दिख रहा था एंड फिर हमने माइनस में 6 × 2 = 12 और 1 = 13 13/6 आ गया। अब देखेंगे एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम कितना आ सकता है, 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 6 × 5 = 6 × 5 = 30 होता है डायरेक्टली, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं दोनों का, 6 × 5 = 30 5 से किया 6 6 से ऊपर किया 16 × 5 = 80 16 × 6 = 96 96 ठीक है, और 5 से किया फिर 6 और 6 = 42 ओके, फिर 6 से किया 6 × 5 = 30 क्या 5 और 6 13 × 5 = 65 अरे वाह, कभी कभी ऐसा आ जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या गया 96 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 130 हो जाएगा और 6 और 8 138 हो जाएगा, 138 ये आ गया 138 एंड माइनस में आपका 65 डिवाइड में 30 हाँ बच्चा बटी बहुत खूब।
अब देखिए इसके बाद क्या देखोगे, 138 में से आप 65 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 12 में से 6 जाएगा तो 63, माइनस में 63 बचे 30 और 3 से गया 2 पे, 3 से 1 पे और 3 से गया 10 पे, तो आ गया 21/10 इसका आंसर। वाओ, आइए मौज करते, आइए मौज करते, मौज आएगा क्यों नहीं आएगा, चैप्टर खत्म, मतलब मजे में चैप्टर खत्म कर लोगे आप, मजे मजे में, पता भी नहीं चलेगा चैप्टर इतना बटन है, इतना बटन होता है क्या चैप्टर का, कुछ नहीं होता, देखो तो मजा आएगा अभी। इसके बाद ये क्वेश्चन PYQ आपका चैप्टर दो बार रिपीट हो रखा है 2019 में एंड 2020 में, दो बार रिपीट हो रखा PYQ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम भी कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसने बोला अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13/3 गिव्स 39/12, एक नंबर ले लिया भैया, उसको हम 13/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 39/12, तो बताइए नंबर क्या। ऐसा होता था ना, हम जादू सीखते थे क्या, ए भैया अपने मन में एक डिजिट सोचो, सोच लिए उतना ही जितना सोचे हो ना अपने बगल वाले से ले लो, ले लिए, मैंने आपको दिया 10, ठीक है, अब ये समझ लो जितना आपने लिया उतना ही भगवान से ले लो, जितना आपने लिया उतना ही भगवान से ले लो, ले लिए, तीनों को जोड़ जाड़ लो, मैंने आपको दिया 10 हो गया, सबको जोड़ के उसका आधा भगवान को दे दो, उसका आधा आप भगवान को दे दो, और भगवान को देने के बाद आप जिससे जितना लिए थे उसे दे दो, तो आपके पास बचेगा 10। ऐसा कुछ गेम होता था, मेरे को सपोज अभी इतना भी याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ गेम होता था, तो हम क्या करते थे, आपके पास बचा 5, ओए जादू 5, अरे मन में कैलकुलेशन मैं तो कर रहा था, कैसे पता 5 बचा, ए भैया आपने जिसका जितना लिया था उतना तो वापिसे कर दिए ना, जिसका जितना लिए थे उसका तो वापिसे कर दिए, बचा मेरे वाला ही तो आपके पास बचा है, और थोड़ी ना बचा है कुछ, बस ऐसा ही केस होता है यहाँ पे, कि एक नंबर है लेट किया मैंने, हिंदी में भी देख लेना, हिंदी और इंग्लिश वाले ये ना सोचे हम दोनों से प्यार करते हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देते हैं, लेट कर लिया नंबर क्या एक्स, इसमें क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए कि नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 13/3 से तो मिलता है हमें 39/12, तो हमें नंबर निकालना हो नंबर, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाए किस में हो जाए डिवाइड में, हम डिवाइड में नहीं लेके जाऊंगा, हम मल्टीप्लाई में कर दूंगा, तो बस इसको उल्टा सीधा कर देंगे, तो आ जाएगा 39/12। अब ये कितना है, अभी 13/3 लिखा हुआ है ना, वहां के जाके हो जाएगा 3/13, ठीक है 3/13, और 13 से काटा इसको तो कितना है 13 × 3 = 39 और 3 × 4 = 12, 13 × 3 = 39, 3 × 4 = 12, तो x इक्वल टू आ गया 3/4, x इक्वल टू आ गया 3/4, बहुत खूब, कितना अच्छा आंसर था यार, 2 मार्क्स हमको मिल जाता यार, हम अभी पेपर आ जाए हम 2 मार्क्स तो ऐसे पकड़ लेंगे यार इसका, ऐसा ही होता है, बड़ा मजा आता है जब आप कर रहे हो ना, तो लगता है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इतना आसान, तब तो मैं फोड़ के आऊंगा, तो आपके अंदर ऐसा जोश जगना चाहिए, अब की बार NIOS में फोड़ूंगा, पर ऐसा फोड़ूंगा कि हिस्ट्री बना डालूंगा, ठीक है ना। चलिए ये क्रैश कोर्स जल्दी ही खत्म होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज जो चैप्टर से थोड़ा हटके भी है, एंड चैप्टर में कभी आ जाए तो ये चीज यूज भी करना है, ठीक है, चैप्टर से हटके भी है एंड ये आ जाए तो ये चीज यूज भी कर लेना, ठीक है। आता है एक वर्ड एडिटिव इनवर्स, जिसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं, ऐसे नंबर जैसे मैंने बोला 2 में ऐसा नंबर ऐड करो कि 0 बन जाए कहा से हो, 2 में ऐसा नंबर ऐड करो कि 0 बन जाए, लो कर दिया। -3 में ऐसा नंबर ऐड करो कि 0 बन जाए, लो कर दिया। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है, जो चीज लिखा है उसका साइन उल्टा करके लिख दो, उसे ही एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, और इसका मतलब योज्य प्रतिलोम का कि नंबर में ऐसी चीज का ऐड अप करो कि उसको 0 अंडा बना दो, उसके पास कुछ बचे ही ना, है ना। ऐसे होते हैं दोस्त लोग जेब में देख लेंगे ना 10 रुपया, ए चलना यार चाउमीन खिला देना, चलना यार मोमोज खिला देना, ये को वेज खाऊंगा, ये को और सारा तू खा जाए, और ऐसा ने झपटा मार लेंगे ना कि एक को आपके पास नहीं बचे। तो यहाँ पे यही है कि एडिटिव इनवर्स मतलब होता है, जैसे -2/3 दे दिया आपको, तो इसका मतलब है -2/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3 होगा, और इन दोनों को -2/3 एंड प्लस में 2/3 करके देखो आपका 0 ही आएगा। अब ये दे दे -2 और बाय में -3,
तब क्या करोगे? तो भैया माइनस माइनस पहले काट दोगे तो ये बन गया प्लस, और प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस में 2/3। बहुत खूब कर लोगे ना, ऐसा हुआ। सेकंड है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक में एक ऐसी गुणात्मक है, अरे इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको किससे मैं मारूं या किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आना चाहिए, इसमें 0 इसमें 1, ठीक है। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? हे भैया 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? तो 3/2 से कर देता हूं। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आया 1। वाओ वाओ, आई लाइक इट। 2/-2/3 है, इसको मैं किससे करूं? 2/-3/-2 से, -2 से इसको इसके काटे, इसको इससे काटा, आंसर 1 आया। वाओ, एंड 4/4/3 है, मल्टीप्लाई किससे करूं? 3/4 से कर देता हूं। 3/4 से 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, बच्चा 1 आया। तो कर क्या रहा हूं मैं? भैया मेरे को नंबर दिया उसने 4/3, तो मैंने किया क्या? इसका उल्टा 3/4। 3/4 डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, हर को अंश, अंश से हर, हर को अंश, अंश से हर, यही चीज करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। देखो इसको ऊपर ऊपर से नीचे, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग नंबर। ये चीज तो आपके उसमें है, सिलेबस में। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? भैया डिवाइड करो और पूरा कट जाए, डिवाइड करो और पूरा कट जाए। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, चलो 20 ही, 2/16 ही ले लेता हूँ, या 1/8 ही ले लेता हूँ। तो 1/8 को अगर डिवाइड करूंगा तो डिवीजन का मतलब क्या, 1 अंदर लिखो 8 बाहर लिखो। बहुत जने सोचते हैं ना कि इसमें बड़ा डिजिट को अंदर लिख देता है, अरे भैया ऊपर वाला हमेशा अंदर लिखते हैं और ये नीचे, ये चीज तो याद रखना। 8 से करूंगा 0 पॉइंट, फिर 0 लगाऊंगा 8 एकम के 8 आ जाएगा, फिर 2 लगाऊंगा, फिर यहाँ पे देखूंगा 0 लगाऊंगा 8 दुआ के 16 आ जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा 4, फिर 0 8 पंजे के 40 आ जाएगा। देखो तो ये पूरा डिवाइड हो गया ना, जिस टाइम पे पूरा डिवाइड हो जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसे कहते हैं शांत, शांत, शांत। अरे भैया जब आपको खाना मिल जाएगा, आप जो चाहो वो सब चीज मिलता रहेगा, तो आप शांति रहोगे ना, का उसमें भी अशांति फैलाते रहोगे, नहीं फैलाओगे, तो ऐसे ही होता है ये। एंड इसी के जगह एक होता है जैसे 1/3 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आपका 0.33333333 ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, कब तक चलेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम इसको लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। कभी भी ऐसा नंबर लिखा हो तो ये भी रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर है, लेकिन इसको हम रखते हैं टर्मिनेटिंग नॉन, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। किसके अंदर? रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन इसको हम जो रखते हैं ये आपका टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है, रिपीटिंग के अंदर आ जाता है। तो ऐसी केस आपकी आती है, ये रिपीटिंग के अंदर है। एंड जो नंबर आपका रिपीट ना हो, जैसे पाई, पाई कभी रिपीट नहीं होता, आज तक कितनी डिजिट निकल चुकी है, 3.14 चलते जा रहा है, तो हम नॉन रिपीटिंग में रखते हैं, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, मतलब अशांत में आता है। तो ये सब डिजिट यहाँ पे ही लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, अशांत और शांत। तो शांति अशांति फैलाते रहो और क्वेश्चन करते रहो। इसी के साथ एक क्वेश्चन जबरदस्त आया, प्रीवियस ईयर का ही है, यूज किया हुआ है, यूज किया हुआ क्वेश्चन ही लेके आया हूं मैं आज। क्या बोला है? एक्सप्रेस करना 0.6 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बहुत खूब, इसने बोला हम कर देते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लेट कर लेते हैं। ए भैया ये क्या हो गया तुमको, क्या हो गया, रुकिए रुकिए, इनको कुछ हो गया लगा, तुमको हम मिठाई नहीं खिलाए थे क्या रात में? देखिए ये बोल रहा है लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, लेट कर लिया। अब बार का मतलब क्या है? वही चीज रिपीट 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 होते जा रही है। तो मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 0.6666, ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। बहुत खूब, अब जितना डिजिट रिपीट हो, कितनी डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है, 6 ही तो बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है। 1 जा रहा है तो 10, 2 जा रहा है तो 100, 3 जा रहा है तो 1000, 4 जा रहा है तो 10,000, है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ तो एक ही जा रहा है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय
tan, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो टेन एक्स आ गया इजिकल्स टू में एक सिक्स इधर भाग जाएगा तो आ जाएगा 6.6666। अब बहुत जाना सोचता है यहाँ तो चार था, मल्टीप्लाई होके जब एक इधर आ गया तो बचा यहाँ पे तो तीन ही बचना चाहिए। अरे भैया यहाँ पॉइंट पॉइंट का मतलब क्या, जितना मर्जी उतना लो, तो मैंने यहाँ चार बराबर कर लिया है ना। तो अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन टू 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 वन, मतलब दो में से एक को माइनस कर दो। तो दो में से एक को माइनस करूंगा तो दो में से एक को करना है ना, तो हमने किया टेन एक्स इज इक्वल टू 6.6666, चलते जाओ यहाँ पे लिख दिया जीरो आई एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0.6666, चलते जाओ। एंड यहाँ देखा हमने ये गया माइनस ये गया माइनस, दस में से एक जाएगा तो 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद की सारी डिजिट सेम है तो कट जाएगी, यहाँ बचेगा 6 तो 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9, 3 से 2 पे 3 से 3 पे, तो x इज इक्वल टू 2/3। ओ बहुत खूब बहुत खूब, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, हम छोड़ के आ जाता 3 मार्क्स का रहे यार। अरे भैया हमारे पास पहले आता ना तो हम छोड़िए के आ जाता, लेकिन यहाँ अब ये करवा दिए हो ना, अब फोड़ के आऊँगा, छोड़ के नहीं आऊँगा, फोड़ के आऊँगा। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया, इसी में एक और भाई बनता है 0.9 के ऊपर बार आ गया तो क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, x लेट करो 0.9999 कर लो, ठीक है, फिर इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो, फिर सेकंड में इसमें भी एक रिपीट हो रहा है तो 10x कर दो इज इक्वल टू 9.9999 हो जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 10x इज इक्वल टू 9.9999 है ना, और यहाँ चल जाएगा x इज इक्वल टू 0.9999, ऐसा चलता जाएगा, यहाँ गया ये यहाँ से आया 9x इज इक्वल टू, ये गया इधर बचा 9 एंड x इज इक्वल टू 9/9 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/1 बन गया। कितना जबरदस्त, कितनी तेजी में मैंने किया, इसमें आप मुश्किल से 2 मिनट नहीं लोगे अगर आपको आता है तो। उसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है। बोले क्या भाई सर जी आसान वाला तो खुद ही कर लिए, हमको दे दिया कठिन वाला। अरे यार इसमें करना क्या है, आपको 0.374 है, बार का मतलब क्या, फिर दोबारा 374 होगा, फिर 374 सॉरी, फिर दोबारा 374 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। अब रिपीट कितनी डिजिट हो रही है, देखो 374 रिपीट हो रहा है, 3, तो मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे, तो 1000 से करोगे तो 1000x आ जाएगा इज इक्वल टू 374 एंड फिर 374, 3 बार ले लेना जितना इसमें ले रखा है उतना इसमें, और फिर इसको x इज इक्वल टू लेट किया तो x इसमें से माइनस करके 374। अरे भैया का होगो, यहाँ पे रखिएगा ना, पॉइंट भी तो है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो, एंड यहाँ पे आपका दो बार लेंगे ना 0.374 फिर 374 आ जाएगा 374, पॉइंट के बाद का तो गया, यहाँ से बच जाएगा 374 और यहाँ से बच जाए आपका 999x, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 374/999। खतरनाक हो गया ना, बहुत खूब, अब आपको आ गया होगा, इतना तो हम मानते हैं कि आपको आ गया है। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ई दोनों के बीच में, अब दो जना के बीच में कितना जना घुसल है कितना जना ना घुसल है वो कैसे पता चली, ये लगी पूछा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 3/4 एंड आपसे 4/3 के बीच में पूछा है कितने रेशनल नंबर है, तो इसको करने का तरीका बस ये होता है, नीचे से देखो, क्या देख रहे हो, अरे भैया नीचे देखो पीछे तो देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे देखोगे नीचे की डिजिट अगर सेम है, क्या सेम है, अरे भैया नहीं है यार, तो सेम करने के लिए क्या करना होता है, इसके वाले को इस पे फेंको, इसके वाले को इस पे फेंको, बहुत खूब, जैसे 3/4 है पहला, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो तब तो ठीक है, नहीं है तब करने के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9/12 हो गया। अब इस 4/3 है तो 4/3 को इसके नीचे वाले से, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कर दिया, तो 4 चौके 16 और 3 चौके 12, समझ आया। अब देखो यहाँ पे देखो कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम 12 12, अगर सेम होगा तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे इसके बाद जो मैं आगे करूँगा, और अगर सेम नहीं है तो आपको पहले ये करना होगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऊपर वाले में चेक करो, आपको सपोज करो कि 5 चाहिए रेशनल नंबर अभी, तो 9 और 16 के बीच में 5 डिजिट है, तो हम देखेंगे 10 11 12 13
14। ओ वाओ है, तो हमने लिख दिया नीचे 12 12 12 12 12। हो गया रेशन नंबर 5 खत्म। इसके अलावा थोड़ी ना कुछ करना है। बस करना क्या होता है, बस आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अगर उनके बीच में पहले ही आ जाए ठीक है, नहीं आता तो मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करता, अगर 2 से करता तो 2 से इसे भी, फिर इसी को 2 से, फिर इसको भी 2 से, सेम है। क्योंकि अगर मैंने किसी और डिजिट से कर दिया तो नीचे का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं होगा जो पहला मल्टीप्लीकेशन किया है ना। तो उसी मल्टीप्लीकेशन को बचाने के लिए हम सेम डिजिट से सब जगह कर देते हैं। इज इट क्लियर नाउ? मानता हूँ क्लियर है ना। ये चीज होगा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये है जैसा -2/3 है एंड 1/4 है माइनस में 1/4 है, यहाँ 3 है वहाँ 4 है, पहले सेम करना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर से, एंड यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से। सबसे पहला काम याद है ना, सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, अब 4 2 8 हो जाएगा -8 और 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए 3 1 3 आ जाएगा और 4 3 12। देखो 12 12 तो ठीक है, अब -8 से लेके -3 के बीच में देखा जाए तो 7 6 7 और 6 फिर 5 फिर 4, 4 डिजिट है, हमको तो 5 चाहिए, तो हम नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 2 16 और 4 12 2 24 और यहाँ कितना आ जाएगा -6/24। अब देखिए 16 आया है तो 16 से पीछे आऊँगा तो मेरा कितना आएगा 15, फिर आपका -14, फिर आपका -13, फिर आपका -12 एंड फिर पता है अगर ज़्यादा गैप हो ना तो आप क्या लिख दो, इससे 1 पीछेगा तो -7/ मतलब यहाँ डॉट डाल दो जिससे पता चल जाए कि इतना गैप भी किया आपने। एंड बाय में 24 हो गया मेरा रेशन नंबर कंप्लीट 5। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, बता दो बच्चों वाला चैप्टर है कि नहीं है। ए भैया चैप्टर नहीं हुई है, बच्चों वाला चैप्टर है। अब देखिए इसके बीच में बोला हुआ है ई रेशन नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ई रेशनल नंबर वाले इस क्वेश्चन को कहीं भी आप खंगाल लेना। जैसे 2 और 3 के बीच में आपको ई रेशनल नंबर निकालने बोला है तो कभी विदाउट कौन सा रूट वाला आ जाए और उसके बीच में ई रेशनल नंबर बोले तो आपको करना क्या होगा, आपको 2 × 3 करना है, जो भी डिजिट हो उसका अंडर द रूट आ गया 6 का, इसका अंडर द रूट सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए आपने पहले मेथड सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मैं आज सिखा देता हूँ। जैसा 6 है, 6 लिख दिया आपने, अब 6 का जोड़ा भाई डिवाइड करो, 6 का जोड़ा डिवाइड करो, 6 का स्क्वायर किससे डिवाइड, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ज़्यादा तो ले नहीं सकते ठीक है, हम कम जरूर ले सकते हैं। तो हमने किया 2 का स्क्वायर 2, जिसका स्क्वायर लोगे वो ऊपर लिखोगे तो 4 आया, अब 6 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो पॉइंट में डिवाइड में 1 0 आता है और यहाँ पे 2 0 आता है, हर चीज डबल कपल में होता है, हर चीज कपल में काम करते हैं। अब देखिए 2 0 आ गया, अब यहाँ पे ऐसा डिजिट लगाइए कि इसको पूरा डिवाइड कर दे, तो हम लगाएंगे अगर 2 तो 82 3, तो हम पता है क्या करते हैं, पीछे से एक डिजिट को छुपाओ 20, तो हम अगर 5 से डिवाइड करते 20 आएगा, इक्वल नहीं लेना कभी भी, इक्वल नहीं ठीक है। तो 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 20 आ जाएगा, 4 से करता हूँ यहाँ पे 4 लेता हूँ और उसी से इसको मल्टीप्लाई, तो 4 4 = 16 है, फिर बचेगा 1, 4 4 = 16 और 1 17, बहुत खूब आसपास पहुंच गए, आसपास ही पहुंचना होता है। तो यहां से कितना बच गया आपका 4, 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से ये गया तो 2, बचा 24, बस 24। अब आगे भी करना चाहते हो तो 4 यहां लिख दो 2.4, आगे भी करना चाहते हो तो कर लो, बनना तो ये बहुत है, 2.4 ही एक आपका ई रेशन नंबर आ जाएगा। अगर इसको बनाना ई रेशन मतलब 2.40 फिर 4 00 फिर 4 000 000 फिर 4 40 करते जाओ यार, ये ई रेशन नंबर बन जाएगा यार, और तो है ना। तो इन दोनों के बीच में ई रेशन नंबर निकालने बोला था, निकाल दिए, कोई बड़ा काम था ही ना, कर दिए, आ गया ना। तो बस इसी तरीके से आगे ये डिवाइड होता जाएगा, इसके आगे और डिजिट्स निकलती जाएगी, तो मैंने इसको ये ऐसा बना के दे दिया आपको ठीक। अब इसी के बाद आपका नेक्स्ट वन आता है कि अगर एक रूट का आ जाए एक विदाउट रूट का आ जाए तब क्या करोगे, तब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब भी बड़ा जबरदस्त, इसको बस एडअप कर देना है, बाय में 2 कर देना है, इनको एडअप बाय में 2, तो इनको एडअप बाय में 2 करोगे तो √3/2 कर दो पहले और फिर 3/2 कर दो, इसको ऐसे काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, एंड इसका 1.71 होता है, रूट का भी सॉल्व करके देख लेना,
अभी जैसा मैंने मेथड बताया ना उसी से करना है, तो 1.71 बाय में 2 हो जाएगा एंड प्लस में 1.5 हो जाएगा, इससे से डिवाइड करोगे तो 0.8 2 8 16 हो जाएगा और 1 2 5 10 हो जाएगा और फिर 1 2 5 10 इतना ले लो, या फिर इसे ले लो 0.85 ले लो, 8 5 5 ले लो एंड प्लस में 1.5, तो क्या देखोगे आप 1.5 एंड 0.855, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लस में 5 5 और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 एंड 2, तो 2.355 चलता जाएगा, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 2.36 5 कहाँ से आ गया 2.36 ओनली, तो ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा इस तरीके से भी, ठीक है। अगर दोनों के दोनों डिजिट उसमें दे दिए यार, दोनों डिजिट रूट में दे दिए, तब क्या करोगे, तब करना है कि इसका भी रूट सॉल्व करो तो आता है 1.41, इसका भी रूट सॉल्व करो आता है 1.71, अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक डिजिट लिख दो, देखो 1 और 1 तो ठीक है, 1 और 1 तो ठीक है मान लिए हम, है ना, लेकिन क्या देखा जाएगा है? देखा जाएगा कि 4 और 7 के बीच में एक डिजिट कोई सा भी ले लो, तो 1 तो आया, 4 और 7 के बीच में कौन सा डिजिट 5 ले लेता हूं, तो आ गया 5, फिर 0, फिर 5 00, फिर 5 000, ये रैशनल बना रहे, रिपीट नहीं होना चाहिए, जो भी रिपीट हो गया तो वो आपका ई रैशनल नहीं, वो रैशनल नंबर में पहुंच जाएगा, तो रिपीट नहीं करना, इसलिए देखो 0 फिर 00 फिर 000 ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो ई रैशनल बन जाता है। इसके बाद लास्ट ऑफ लास्ट आपका इस टॉपिक का एक और लास्ट टॉपिक बचता है एंड पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा लगा नंबर सिस्टम नीचे कमेंट करके जरूर बताना। राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 0.77777 ऐसे चल रहा है भैया ऐसे, तो कभी भी इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ये बीच में ना लास्ट में ये मतलब मना ही रसम बन जाएगा, क्या लगाया ये इतना चल रहा है, ठीक है, तो कभी भी ऐसी डिजिट को ना राउंड ऑफ करके लिख लो, हमें कितने, हम तो मैक्सिमम लेते हैं 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट, मैक्सिमम इतने तक चलते हैं, तो मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया 777 चल रहा है, तो मैं यहाँ 2 ले लूँ या 3, मर्जी आपकी है ना, मैं तो 2 लेके चलता हूँ, 3 नहीं, तो 0.7 तो है ही, लेकिन उसके बाद से जो डिजिट सेकंड वाली है उसके बाद की डिजिट को देखो, क्या 5 से ज़्यादा है, है तो 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले को एक इंक्रीज कर दो 7 8, बहुत खूब हो गया राउंड ऑफ, क्या हो गया राउंड ऑफ, ऐसे मैंने लिख दिया 0.596, ठीक है, और आगे 7 लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ, तो क्या करूंगा मैं, तो इसके लिए मुझे करना होगा सबसे, मैं 3 डिजिट तक देख लेता हूँ, इस बार कितनी डिजिट 3 तक देख लेता हूँ, फायदा हो जाएगा, तो 3 तक तो मैं देखूंगा चौथी वाली डिजिट को, क्या तीसरी वाली को इंक्रीज कर सकता है ये, तो 5 से ज्यादा है तो ये इसको इंक्रीज कर देगा, तो 0.59 और 7 आ जाएगा, बहुत खूब राउंड ऑफ हो गया, तो बस एक इंक्रीज करना है जब 5 से ज्यादा हो, अगर 5 से कम है तो कोई इंक्रीज नहीं, डिजिट को भगा दो, जैसे 0.923 है, ठीक है 923 है, तो देखोगे सबसे लास्ट वाली डिजिट को क्या 5 से कम है, ज्यादा है, कम है तो इसको आगे को इंक्रीज नहीं करेगा, 0.92 अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके लिख दिया, हो गया खत्म। राउंड ऑफ खत्म होते ही ऐसा ही राउंड ऑफ लिया अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा चैप्टर आपके लिए यहीं पे हो जाता है फिनिश। बच्चा पार्टी कैसी लगी ये नंबर सिस्टम की सीरीज और ये क्रैश कोर्स, मुझे नीचे कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मजा आया हो और दिल से आवाज निकली हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, हर जने के पास ये क्रैश कोर्स और एक चीज आपके हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है ये एक मैराथन और अब होगा सबके माइंड से ना मैथ्स का डर भगेगा जल्दी से, ये डर जो बैठा के रखते हो ना यार, उस डर को धीरे धीरे बाहर निकलवा दूंगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे धमाकेदार मजेदार क्रैश कोर्स के साथ, जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ, जय हिंद जय भारत।